This call is now being recorded. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आज हम लोग जो बात करेंगे, is matter around us pure? Good evening, Isita. Actually, हम जिसे pure समझते हैं ना, वो pure होता नहीं है, और कई तरह के हम जो है इसमें concept सीखेंगे. तो डेट हमारी है 02/02/24. ठीक है, ये है हमारी डेट. सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा दो तीन सवाल कि हम किसे कहेंगे कि कोई सब्सटेंस प्योर है. जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. मान लीजिए कि मैं दुकान गया, वहां पे लिखा हुआ है प्योर घी. क्या वो प्योर है? नो सर. अगर मैं कहूं कि प्योर वाटर लिखा है, तो क्या प्योर वाटर प्योर है? नो सर. नो सर. प्योर किसे कहेंगे? सर, हम प्योर उसे कहेंगे सर जिसमें कि जो उसके हर मॉलिक्यूल्स होंगे सर, वो एक ही केमिकल सर, वो सारे उनके अंदर एक ही केमिकल बॉन्डिंग. वेरी गुड आंसर. ठीक है, सही कहे कि हम जिसे देख के नहीं कह सकते कि प्योर है. प्योर उसी को कहेंगे जो सिमिलर टाइप से जो है मॉलिक्यूल से बने होंगे. इसका मतलब है कि अगर कोई भी चीज बना हुआ है, वो अगर उसी टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा तो वो प्योर होगा. अगर वो दो या दो से अधिक चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? प्योर कह देंगे. जनरली हम लोग देखते हैं जैसे कि जो है कई जगह पे प्योर वाटर लिखा रहता है, प्योर घी लिखा रहता है, प्योर दूध लिखा रहता है, प्योर जो है दही कर्ट पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है. आप कई बार दुकान में जाओगे, ये प्योर किराना है, यानी कि यहाँ पे जो भी चीजें मिलेंगी प्योर मिलेंगी. एक्चुअल में हम वो सारी बातें जो करते हैं वो क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं. कैसे बात करेंगे? धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, एक एक करके हम लोग जो है बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन. तो आप सभी को पता है मैटर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड मैटर. वेरी गुड. दो सब्सटेंस व्हिच हैव mass and occupy space. Occupy space. It is known as matter. Matter. उसको हम लोग क्या कह देंगे? Matter कह देंगे. मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं. क्या जो भी सब्सटेंस है, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल के रूप में पहले मैं समझाता हूं क्या क्या होते हैं. एग्जांपल में कोई बताना चाहेंगे? पेन, बुक, जो भी आसपास आपके दिख रही है, चेयर, टेबल. हाँ, चेयर, टेबल, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, जो भी दिख रहे हैं, घर, कपड़ा, बर्तन, जो भी सारे सामान आपको दिख रहे हैं, उनके पास क्या होता है? मास होता है, एंड क्या होगा? वॉल्यूम होगा. तो उन सभी सब्सटेंस को हम लोग क्या कह देंगे? मैटर कह. ठीक है, तो मैटर बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? मैटर कितने टाइप के होते हैं? सर फाइव. कौन कौन से?
सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और गैस, बहुत सारी चीजें सॉलिड कंडेंसेट प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस, गैस गैस, प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा फिर बोस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेट होंगे बेसिकली इनको हम लोग जो है एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल हम थोड़ी बात बात करते हैं कि क्या होता है मैटर, इन सब चीजों पे किसे प्योर कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर अंडरस्टूड द मैटर इज डिवाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें जो पढ़ना है, हम आपको कितने टाइप पढ़ाएंगे, पांच टाइप पढ़ाएंगे। लेकिन यहां पे कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे सॉलिड पे, लिक्विड पे एंड गैस पे बात करेंगे। बट हाउ दे एग्जिस्ट इन नेचर, ये कैसे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। डू दे एग्जिस्ट एज अ प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर, ये किस फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं, और दे एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। इन सब क्वेश्चन को हम लोग जो है क्या करेंगे, एक एक करके जो है हम इस चैप्टर के अंदर जो है समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन दिस चैप्टर, कि जो भी सब्सटेंस बने हुए वो कैसे बने हैं, ठीक है, कैसे ये सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोग जो है बात करेंगे। ये क्या प्योर है, क्या इम्प्योर है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक अब शुरू होता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब हम जो है पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो मैटर होते हैं ना, बहुत ही टीनी पार्टिकल से बने होते हैं। आप लोगों ने ना एक एग्जाम्पल देखा होगा, अगर ये नहीं देखा तो आप लोग एक घर में काम कर सकते हैं कि एक हमने क्या करा कि यहां पे बीकर ले लिया, ठीक है, हमने यहां पे क्या ले लिया, एक जो है बीकर ले लिया, और बीकर में ना पोटासियम परमैंगनेट अगर जो नहीं है तो आप अपने घर में जो कलर होता है ना होली वाला जैसे उसको डाल दो। जैसा कितना क्रिस्टल डालना है, 2 2 3 क्रिस्टल। अब अगर हमने रेड कलर वाला डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा, फिर रेड रेड हो जाएगा। अब ये पानी क्या हो गया आपका जो है, रेड हो गया, या हरा कलर ही डाल दे। अब चाप तो इसमें, ठीक है, अब मान लीजिए अब हमने क्या करा, इससे ये 100 ग्राम था पूरा, 100 ml था, यहां मतलब कितना है, ये 100 ml है। इसमें से 10 ml लिए और 90 ml वाले वाटर में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। क्या आप मुझे बताइए कि अभी भी कलर होगा, होगा यस सर, कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यस वो अलग सर, बात है फेडेड होगा, यस लेकिन यहां पे भी पोटासियम परमैंगनेट है। फिर से हमने लिया, यहां पे हमने क्या करा कि तीसरा डब्बा, तीसरा बीकर बनाया और इसके अंदर भी 10 ml डाला। यहां भी देखे कि इसका भी कलर क्या था, रेड था। वो अलग बात है कि यहाँ पे जो कलर होगा रेड की, वो फेडनेस ज्यादा बढ़ती जाएगी, यानी कि बिल्कुल हल्का हल्का लालिमा लगेगा, इसमें पूरा लालिमा लगेगा, इसमें जो है थोड़ा थोड़ा लगेगा, इसमें बहुत ही हल्का। फर्दर करेंगे तो बहुत बहुत कम जो है रेड कलर शो करेगा। सोचिए कि आपने कितना छोटा सा पार्टिकल लिया था, यानी कि 2 या 3 दाने लिए थे, ठीक है, अब 2 से 3 दाने में सोचिए कितना छोटा पार्टिकल होगा कि यहां तक बना होगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं, टिनी टिनी पार्टिकल पार्टिकल से। इसका मतलब क्या हुआ कि, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पार्टिकल होंगे ना, बहुत बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। आपको पता ही होगा कि जो मैटर होते हैं वो एटम से बने होते हैं, और एटम जो है किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बने होते हैं।
काफी छोटे पार्टिकल हो जाते हैं। तो ये कहता है कि मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स होंगे बहुत छोटे पार्टिकल से बने होंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया, हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख पाते। वही कहता है सुगर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल ऑफ सुगर, ये जो सुगर का मॉलिक्यूल से सुगर का क्रिस्टल है ना, एक क्रिस्टल में लाखों पार्टिकल्स होंगे चीनी के। ऐसा नहीं सोचना कि, क्योंकि आप खुद सोचे होंगे कि चीनी को अलग अलग तरीके से खाते हैं, कुछ लोग मिश्री से खाते हैं, देखे मिश्री, यस सर, कुछ लोग जो है उसी को तोड़ के चीनी बना देते हैं, कुछ लोग उसको जो है एकदम छोटे छोटे चीनी बना देते हैं, कुछ लोग चीनी का पाउडर बना देते हैं, और आप लोग जूस वाले दुकान में जाओगे वो पता नहीं क्या कहता है, एकदम चीनी वाला पाउडर डालता तुरंत भूल जाता है। ठीक है, तो सोचिए कितना अलग अलग जगह पे कितने छोटे छोटे हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो बहुत ही छोटे बने होते हैं। साल्ट इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल ऑफ साल्ट, यानी कि जो भी एटम है, जो भी मॉलिक्यूल्स है आपके आसपास जो भी दिख रहे होंगे, सभी के सभी किससे बने होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होंगे, बने होंगे। बोले क्लियर है? इन दिस वे अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एज, अगर कोई भी सिंगल टाइप से जो बने होंगे उनको हम लोग क्या कह देंगे, जो है प्योर मैटर कह देंगे। ठीक है, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो बने होंगे तो उनको हम लोग क्या कह देंगे, इम्प्योर कह देंगे। बट देयर इज मैटर लाइक सॉयल मिल्क कंटेन मैनी सब्सटेंस, जैसे सॉयल जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे देखोगे ह्यूमस होता है, हम लोग मिला के भी बना सकते हैं अपने खेतों के लिए। जैसे देखना क्या करते हैं, कई सारे लोग जो है जो घर का कचरा होता है उसको मिला देते हैं, गोबर मिला देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉयल जो हो जाएगा अगर वो प्योर से बना हुआ है तब तो वो क्या हो जाएगा कि सिमिलर टाइप से बना है तो वो प्योर हो जाएगा, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बने होंगे तो उनको हम लोग क्या कह देंगे, इम्प्योर। जैसे सॉयल मिल्क एंड ब्रोकन रॉक्स क्ले सैंड ह्यूमस, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नॉन प्योर या इम्प्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कह देंगे, इम्प्योर। अब कई बच्चा मुझसे कहता है कि सर हम गाय का दूध निकालते तो क्या उस समय मुझे बताइए क्या प्योर होगा या इम्प्योर। मान लीजिए कि गाय के सामने एकदम जो है पानी नहीं मिला है, जैसे गए आप लोग जो है एकदम बिल्कुल जो है उसने जो है ईमानदार था आपका दूध देने वाला, उसने निकाल के दे दिया, तो बताइए क्या प्योर होगा या इम्प्योर। सर इम्प्योर, इम्प्योर होगा, इम्प्योर। क्यों? क्योंकि वो जो है मिक्सचर से बनाया हुआ है, फैट होते देखते हैं, इसीलिए आप जब दूध को गर्म करते हैं तो उसका क्रीम अपर में आ जाता है। यस सर, इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं कि वो जो सब्सटेंस होगा वो किससे बने होंगे, यानी कि बहुत सारे के मिला के बने होंगे, इसीलिए इम्प्योर कह देते हैं। आपको अगर जो सिंपल शब्दों में समझना है ना कि कौन प्योर है कौन इम्प्योर है, तो आप इस चीज को देखिएगा कि जो एक ही टाइप के एलिमेंट से बने होंगे। अब एक बच्चा मुझसे कहेगा सर हमें तो देखने में लग रहा है दूध भी एक ही टाइप से। खैर आपको पता होगा कि जब दूध को गर्म करते अगर ये एक ही टाइप से बने होते तो दो लेयर नहीं होते। अब देखेंगे दूध के दो लेयर हो जाते, ऊपर में अलग लेयर आ जाता है, नीचे में अलग लेयर आ जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, इम्प्योर है। मिट्टी, कहीं की मिट्टी में कुछ और ज्यादा होता है, कहीं की मिट्टी में कुछ और ज्यादा होता है, तो मिट्टी भी क्या हो जाता है आपका, इम्प्योर हो जाता है। यानी कि इम्प्योर में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक से मिला के मिक्सचर से जो बनते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, इम्प्योर कह देते हैं। सो मैटर इज क्लासिफाइड एज टू टाइप्स में, एक हो जाता है प्योर एंड एक क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। जैसे प्योर में क्या हो गया, सुगर हो गया, कॉमन साल्ट हो गया। अच्छा मुझे बताइए H2O अगर मैंने लिखा तो क्या प्योर है? नो सर, अब ये प्योर है। अगर मैंने कहा कि अर्थ से या कहीं हैंड पंप से या कुएं से निकाले तब इम्प्योर है,
अब ये प्योर है क्योंकि H2O से ही बना हुआ है। अब हमने ये जो है क्या बनाया, लैब में बनाया था, यानी कि अगर सिर्फ H2O है तो ये क्या है, प्योर है, कॉमन सा। NaCl ये भी क्या है, प्योर है। अगर ये NaCl से बना है, अगर आपने NaCl में थोड़ा चीनी का दाना मिला दिया तब ये इम्प्योर हो जाएगा। ग्लूकोज, शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C6 C12 H22 O O6 11, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, शुगर। और ग्लूकोज किसे कहते हैं, C6H12 O6 O6 को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह देंगे, C6H12O6 को हम लोग जो है ग्लूकोज कह देते हैं, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, आपका जो है शुगर कह देते हैं। अगर कोई भी सिमिलर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी फॉर्मूला देख रहे हो, ये सभी के सभी किससे बने होंगे, प्योर से बने होंगे। इम्प्योर की बात करें तो जो किससे बने होंगे, दो या दो से अधिक से सब चीजों से बने होंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप लोगों ने मिक्सचर खाया है, मिक्सचर खाया, मिक्सचर समझते हैं आप लोग, नो सर, क्या कहते हैं आप लोग के मिश्र उधर मिक्सचर को, मिक्सचर ही कहते हैं, अरे जो नमकीन जिसको कहते हैं उसमें बहुत सारे चीजें मिले हुए होते हैं। हाँ, यस तो सर उसमें अगर मैं कहूं कि मैंने दुकानदार से खरीदा कि काजू वाला जो है मुझे क्या करूं, जिसमें काजू रहते हैं, किशमिश रहते हैं, इस टाइप का मैंने जो है मिक्सर खरीदा या नमकीन खरीदा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर जगह पे बराबर हो, होगा क्या? नो या सर आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप लोग भेलपुरी खा रहे हो, भेलपुरी समझते हैं जो मुरमुरेस यस बनाए, हाँ, सर तो मुरमुरेस बनाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि आप में बादाम की क्वांटिटी जितनी हो, मतलब मूंगफली दाना, उसी के जो है आपके फ्रेंड के साथ भी उतनी हो, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी, होगी कि नहीं। तो यस सर यस इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से जो है इम्प्योर हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, इम्प्योर में जो है ना कि हर जगह का चीजें जो है सेम नहीं होती, या दो या दो से अधिक चीजों को मिला के बनाते हैं तो उसको इम्प्योर कह देते हैं। घर में अगर जब कोई चीज बनाते हैं मिला के जो है तो वो कैसा हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। जैसे देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं सॉयल है, मिलकर देखिए सॉयल में क्या क्या पाया जा रहा है, मिट्टी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, पता नहीं क्या क्या चीजें पाई गई है, ठीक है। जबकि साल्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से, तो ये जो है क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, जबकि सॉयल एंड मिल्क जो है वो क्या हो जाता है, आपका इम्प्योर हो जाता है। यस ये आपका चीनी है, कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब है यहाँ पे C12H22O11 एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स को जो है क्या रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, या एक ही टाइप से मॉलिक्यूल्स है। कहीं भी चीनी के दाना को तोड़ोगे ना तो क्या निकलेगा, C12H22O11, कहीं ऐसा नहीं होगा कि C6H12O6 निकल जाएगा। यानी कि अगर जो सेम टाइप के फॉर्मूले से बने होंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि प्योर, और अगर जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे, इम्प्योर। कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज इम्प्योर। बोले क्लियर है? तो मैटर को हमने यस दो पार्ट में डिवाइड किया, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड, जो प्योर मैटर है ना उसको हमने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक का नाम रखा एलिमेंट और दूसरे का क्या नाम रखा, कंपाउंड नाम रखा। सबसे पहले हमने बताया मैटर क्या होता है, फिर मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्योर, दूसरा जो है इम्प्योर। प्योर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो टाइप में, इम्प्योर को भी दो टाइप में डिवाइड करेंगे, लेकिन आगे हम थोड़ी बात देर में बात करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड एलिमेंट इन डिटेल। एलिमेंट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, एनी कंपाउंड
is known as aluminum. On hammering iron rod, you will get all iron particle. So element is made of only one kind of substance. अगर आपको कहा जाए कि जो जैसे इस बच्चे ने तोड़ा, ये जो है सरिये की रॉड है, अब जैसे इसने इस हथौड़े से इस रॉड पे हिट किया तो छोटा छोटा पार्टिकल मिलेगा। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी एलिमेंट है स्मॉल टीनी पार्टिकल से बने होते हैं। अगर स्मॉल टीनी पार्टिकल से बने हैं, इसका मतलब जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, जैसे ये मान लो ये छोटा पार्टिकल है, ये किसके बने आयरन के, तो सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा या एक ही टाइप से जो बने होंगे उनको हम लोग क्या कह देते हैं, एलिमेंट्स कह देते हैं। वही कहता है एलिमेंट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो एलिमेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ, अगर जो हाइड्रोजन है तो सिर्फ एक ही टाइप से बने होंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर जो एलिमेंट के फॉर्म में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो वो सभी के सभी एक ही टाइप से जो है क्या होते हैं, बने होते हैं। वही कहता है एन एलिमेंट इज टाइप ऑफ मैटर कंपोज ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस वेयर इच स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी एलिमेंट होंगे ना, ये तो मैं पता लगे कि सर एलिमेंट जो होंगे उसे कहेंगे जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना हो, या किसी भी मॉलिक्यूल्स का सबसे छोटा जो पार्ट हो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एलिमेंट्स कह देते हैं। जैसे ये जो आयरन रॉड है, इसका सबसे छोटा पार्ट क्या है, आयरन, तो ये आयरन क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट्स हो जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग जो होते हैं वो अलग अलग जो है एलिमेंट से बने होते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज। अभी के लिए याद रखना कि जो स्मॉलेस्ट हो और इंडिविजुअल हो, यानी कि जिसको तोड़ा ना जा सके, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एलिमेंट। और उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, आपकी जो है सेम होनी चाहिए। ठीक है, बोलिए क्लियर है। अब हम बात करते सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। आगे हमने डिवाइड कर दिया था, लेकिन अभी के अनुसार से समझना कि एलिमेंट को हम डिवाइड नहीं कर सकते। हमने जो है आपको बताया था कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में जो है डिवाइड कर दिया था। अब जो एलिमेंट है इसको फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एक का नाम है मेटल, दूसरे का नाम है नॉन मेटल, तीसरे का नाम क्या है, मेटलॉइड्स। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम में राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अभी हम इसकी ट्रिक भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब हम जो बात करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल पे, क्या होता है ध्यान से सुनना। ओके, अगर मैं बात करूं मेटल ना, तो आप इसको ऐसे ही लिख देना, MeTLS, बस ये प्रॉपर्टी शो करता है। कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, M से मतलब क्या हो गया, मेलेबल। M से क्या हो गया, मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है, जिसको पीट पीट के हम किस में कन्वर्ट कर दें, एक सीट में कन्वर्ट कर दे। एलिमेंट कन्वर्ट इनटू सीट, या मेटल आप ज्यादा अच्छे से लिख लीजिए। मेटल कन्वर्ट इनटू सीट। अच्छा, मैं इसी को ना ऐसे लिख देता हूं ताकि कि सारे पॉइंट आ नहीं पाएंगे, एक ही पेज मैंने ऐड किया, इस तरह से लिखूंगा ना तो आ नहीं पाएंगे। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, MeTLS।
ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और भी बहुत हैं, हम पहले इन सब को पढ़ते हैं। एम से क्या मतलब हो गया? मेलेबल एंड डक्ट, मेलेबल प्रॉपर्टी एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। मेलेबल का मतलब किसमें होता है? कन्वर्ट इनटू सीट, जिस मेटल को हम किसमें कन्वर्ट कर दें? सीट में, यानी कि जो है चादर में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कभी रोटी खाया है, अपने जो है एक जो है एल्युमिनियम फॉइल में लेके जाते हैं, वो क्या है? थिन फॉइल है। या आप लोगों ने कभी सुना है कि मिठाई के ऊपर ना चांदी की लेयर लगाई जाती है? यस सर, यस सर। मुझे एक बात बताइए, चांदी की ही क्यों लेयर लगाई जाती है, एल्युमिनियम की क्यों नहीं लगाई जाती है और बाकी एलिमेंट की? तो चांदी नॉन टॉक्सिक होता है। ओके, वेरी गुड। जो ये क्या होते हैं ना कि नॉन रिएक्टिव हो रहे हैं, जो सिल्वर होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए उनको हम यूज करते हैं। इनके से हम खा भी लेना तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर एल्युमिनियम खा लोगे तो वो बॉडी के अंदर रिएक्ट करेंगे एसिड से, HCl आपके पेट में जो है निकलता है, रिलीज होता है, तो उसे रिएक्ट कर जाएगा और वो आपके लिए जो है क्या कर जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, इनकी जगह पे आप सिल्वर का यूज कर सकते हो, गोल्ड का यूज कर सकते हो, प्लेटिनम का यूज कर सकते हो। अब सिल्वर सबसे सस्ता होता है इसीलिए सिल्वर का यूज करते हैं, गोल्ड काफी महंगा है, आपको पता होगा कि 10 ग्राम का ही दाम जो है 60,000 ले लिया जाता है, तो ये जो है काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डक्टिलिटी, कन्वर्ट इनटू वायर, जिसको हम किसमें कन्वर्ट कर दें? वायर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो सबसे अच्छा डक्टिलिटी शो करता है वो कौन करता है? गोल्ड करता है, ठीक है। गोल्ड के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हो, बहुत बड़ी बात है कि 1 ग्राम से कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर पतला वायर खींच सकते हो, सोचो कितनी ज्यादा डक्टिलिटी होगी। तो इस कारण से हम लोग जो क्या करते हैं, वायर में जो कन्वर्ट करते हैं, जैसे कॉपर का वायर, एल्युमिनियम का वायर, कोई कहेगा कि सर गोल्ड का क्यों नहीं यूज करते, काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा, इसीलिए यूज नहीं करते। पता लगा जिसके घर में जो है गोल्ड का जो है बनाया, तो जो घर होगा उसको करोड़ों रुपया तो सिर्फ उसके वायर में ही लग जाएगा, इसीलिए यूज नहीं करते। ई से जो क्या होता है, हाँ, और पता लगा कि अगर जो उसने बनाया भी तो दूसरा लोग जो है चोरी करके जो है इसके वायर को कट कुट करके जो है ले जाएंगे। अब हम बात करते हैं ई से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है, या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा क्या हो, कंडक्टर हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। याद रखना कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी वो क्या होता है, गुड कंडक्टर जो है वो शो करता है। दूसरा, टेंसाइल नेचर, टेंसाइल नेचर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, देखना इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। इसका मतलब देखिए, घर के ऊपर जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, आयरन की रॉड को जो है बिछाते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोड बियरिंग कैपेसिटी जो होती है, लोड बियरिंग कैपेसिटी हाई हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ए से क्या होता है, एलॉय, बस ये याद रखने के लिए है। इसका मतलब है जब दो मेटल को मिलाते हैं, टू मेटल
जो है क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, व्हेन टू मेटल मिक्स तो जो है क्या बनता है, एल वाई का फॉर्मेशन होता है। एल का मतलब क्या होता है, लस्टरस। लस्टरस का मतलब क्या होता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी। आप देखिएगा गोल्ड जो है कैसा चमकता है, दम बिल्कुल अच्छे से चमकता है। तो जिसके पास शाइनिंग प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगा, जैसे आप लोगों ने देखना कि अपने घर में कभी सरिये को कटते हुए देखे हो, आयरन रोड को। यस, देखना जैसे जब कटता है तो देखना कितना ज्यादा जो है चमकदार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बहुत ज्यादा जो है शाइनिंग नेचर का होता है। एस से क्या होता है, एस से क्या होता है, सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, साउंड ट्रेवल अच्छा होता है, ठीक है। जिसके अंदर साउंड का ट्रेवल अच्छा होगा उसको कहते हैं सोनोरस। पहले के जमाने में ना ट्रेन की, अगर जैसे आजकल तो एआई सिस्टम आ गया है कि मोबाइल में देख के बता सकते हो कहां पे आपकी ट्रेन खड़ी है। पहले जो है ना क्या होता था कि मान लीजिए किसी को पता करना रहता था कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही, तो पटरी पे कान लगा के देखता था वाइब्रेशन के कारण जो है, क्योंकि बहुत दूर लग जाती है। आप कभी नोटिस करना कि घर में जो है ना अगर जब कोई मेटल का बर्तन होगा तो उसको हल्का सा पीटना, या फिर आप स्कूल में डेस्क के कहना कि एक फ्रेंड को कहीं कोने पे मारना और लगा के देखना तो आपको सुनाई देगा। वैसे अगर जब सुनोगे तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन ऐसे सुनोगे तो जो है सुनाई दे जाएगा। तो इस तरह से ये सारे प्रॉपर्टीज हो करती है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। क्या होता है सर, एलओएस का हो गए। हाँ जी सर, एलओएस का समझाओ लबीर से। ओके, एलओएस का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक अलवाय को मेटल को मिक्स करके बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो बर्तन होता है, क्या सिर्फ एक ही कंपाउंड होता है क्या, नहीं, उसके अंदर अलग अलग मिलाते हैं। तो इस तरह से जब दो या दो से अधिक मेटल को, जैसे ब्रॉन्ज में है ब्रास होता है, कॉपर होता है, या जो है आयरन को हल्का हल्का मिला के जो है बनाया जाता है। तो इस तरह से जो अलग अलग मेटल के लिए जो है अलग अलग जो है, यानी कि अलवाय का फॉर्मेशन किया जाता है, अलग अलग चीजों को जो है मिला के जो है बनाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अलवाय कह देते हैं। Yes, और भी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसका, डेंसिटी, डेंसिटी इज हाई। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है क्या करता है, मेटल जो है शो करता है। बोलिए, तो ये सब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कि मेटल कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, तो आप सबसे पहले याद रखना मेटल्स, एम से मेलेबल या डक्टाइल। वैसे दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, मैंने एक ही में कवर कर दिया। तो मेलेबल का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को पीट की थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेलेबल प्रॉपर्टी कह देते हैं। जो डक्टाइल होता है, जब वायर को कन्वर्ट करते हैं तो जो है वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी कह देते हैं। इसे क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टी से टेंसाइल, यानी कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी की हाई होती है। इसे अलवाय, यानी कि जब दो मेटल को मिक्स करके बनाते हैं तो अलवाय का फॉर्मेशन होता है। एल से लस्टरस होता है, यानी कि शाइनिंग नेचर का होता है। एस से साउंड होता है, यानी कि जो है सोनोरस होता है। सोनोरस का मतलब होता है कि साउंड का जो है ट्रेवल वो अच्छे तरीके से करता है। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यही कहता है, लस्टरस प्रॉपर्टी शो करता है, हैव शाइनिंग अपीयरेंस, यानी कि इसके पास जो होता है वो कैसा होता है, शाइनिंग नेचर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डायमंड का, सोने का, चांदी का, इन सभी का आप लोगों ने वो चीजें देखी होंगी।
तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, लस्टरस प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। सोनरस, सोनरस का मतलब क्या हो गया, जो साउंड को से ट्रैवल। ट्रेवल अच्छा कराए। हाँ, यानी कि जिसके अंदर साउंड का ट्रेवल जो है अच्छे से हो, मेकर। अच्छा, इसीलिए देखना आप लोगों के स्कूल में जो घंटी होती है, यानी कि जो बेल एक इस तरह का होता है ना, प्लेट टाइप का एक रस्सी होता है, इसमें हम लोग जो है एक प्लेट बांधे रहते हैं, एक हथौड़ा होता है, तने ऐसे ही होता है कुछ है। ठीक है, और इस हथौड़े से इसको पीटते हैं, ठन ठन आवाज करता है। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। क्यों मेटल के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है साउंड जो है अच्छे से होता है। अगर आप इसको लकड़ी का बना दोगे तो ठक ठक आवाज करेगा, बगल में अगर जो जहां बजाए होगे बगल वाला क्लास कहेगा कौन दीवार तोड़ रहा है, या कौन जो है ठक ठक करके परेशान कर रहा है। इसीलिए अब जो हम लोग यूज करते हैं, आप लोगों की साइकिल की घंटी किस चीज की बनी होती है, मेटल की बनी होती है। क्यों बनी होती है, क्योंकि उसके अंदर साउंड जो है वो अच्छे से ट्रेवल करता है, मेक रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक द, जब उसको हम हिट करते हैं तो जो है क्या हो जाता है, उसका साउंड जो है अच्छे से प्रोड्यूस करता है। जैसे देखिए मंदिर में हम लोग जब, क्यों नहीं लकड़ी का यूज करते हैं, क्योंकि मेटल का जो है होता है वो साउंड जो है अच्छा देता है, और उसमें भी हम लोग जो है आयरन का यूज नहीं करते, ब्रॉन्ज का करते हैं, ताकि कि जो है साउंड जो है ज्यादा प्लीजेंट लगे। तीसरी प्रॉपर्टीज होती है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कोई तो बताना चाहेंगे, जस्ट मैंने बताया था, सुनिए। जिसमें कन्वर्ट इनटू वायर। वेरी गुड, जो क्या कर सके, कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर, यानी कि जिसको हम लोग जो है वायर में जो है क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। जैसे देखिए कॉपर के वायर हैं, तो इन सभी को हम लोग क्या कह देंगे, आपका डक्टाइल प्रॉपर्टीज। मेलेबल प्रॉपर्टीज, कैन बी बीटन इनटू थिन सीट विद अ हैमर, उसको पीट पीट के, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो चांदी का छोटा छोटा सा फॉइल होता है, उसको हम रख देते हैं पेपर के ऊपर, पेपर, और उसको पीटते हैं खूब बहुत जोर जोर से हथौड़े से, और वो जो है क्या बन जाता है, थिन सीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए एल्यूमिनियम फॉइल हम लोग जो है रोटी पैक करने के लिए यूज करते हैं, या आजकल देखिएगा जितने भी खाना बनाने वाले जो होते हैं उन सभी में जो है इसका जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। इसके अंदर जो है आप लोग जो बर्तन होते हैं घर के अंदर, वो किस चीज का यूज करते हैं, ऐसे मेटल का यूज करते हैं जिसके अंदर हीट आसानी से हो, और जो हैंडल होता है उसको किस पे कवर कर देते हैं, यानी कि इंसुलेटर से जो है कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि कि उसके अंदर जो है आपको जो गर्म है वो जब आप पकड़ो तो उसको आपको गर्मी ना लगे, आपका हाथ ना जले, इसीलिए उसमें प्लास्टिक की लेयर को हम लोग क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। तो वो क्या होता है, हीट का भी गुड कंडक्टर होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली। इसके अंदर क्या होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो आसानी से क्या कर जाता है, पास कर जाता है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। याद रखिएगा कि जो सबसे बेस्ट होता है वो कौन होता है, सिल्वर हो जाता है। ठीक है, द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर इटीसी आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल। जो आपके घर में बर्तन है जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं, वो सभी के सभी किसके बने होते हैं, या तो एल्युमिनियम के बने होंगे, पहले हम लोग जो है कॉपर के बनाते थे, अब जनरली हम लोग जो है एल्युमिनियम के ही बना के जो है रखते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए ये एल्युमिनियम है, ये कॉपर है, तो इस तरह से जो है आप लोग इन जो है बर्तन देखे होंगे घर में, आप लोगों के घर में जनरली हम लोगों के घर में जो है इस टाइप का जो है बना रहता है। बेल्ट का देखिए ये वाला पार्ट, तो ये भी किस चीज का बना होता है, आपका मेटल का बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार, लेकिन हैंडल जो होता है वो किस चीज का बना होता है, आपका जो हीट का बैड कंडक्टर होता है उनसे बना होता है। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इसको आसानी से ऐसा नहीं कि मचोड़ दोगे तो जो है इधर उधर हो जाएगा, नहीं होगा, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, यानी कि आयरन कॉपर एल्यूमिनियम, दे कैन नॉट बी कट विथ नाइफ, यानी कि आप इसको ना चाकू से नहीं काट सकते हो,
सोडियम एंड पोटासियम को आप चाकू से काट सकते हो। सोडियम एंड पोटासियम ऐसे होते हैं, आप अगर जैसे पनीर को काटते हो ना, वैसे इन दोनों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम एंड पोटासियम को काट सकते हैं। ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, आपको भी मैंने बताया कि इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है और ये स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में, व्हील में, ब्रिज में, या रेलवे में, या व्हीकल में, या चेयर में, हम लोग क्या करते हैं कि मेटल का यूज करते हैं, ताकि कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो है जो है लोड को जो है क्या कर सके, कैरी कर सके। कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, ये जो है क्या होता है कि आप इस पे कितना भी रख दोगे तो ये जो है आपको जो है ब्रेक नहीं होगा। यही अगर जो आप प्लास्टिक पे अगर चढ़ जाओगे तो ब्रेक हो जाता है, इसी कारण से हम लोग जो है इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में, रेलवे लाइन में, व्हीकल में, चैन में, घर में, इन सब जगह पे यूज किया जाता है। देखिए, चैन है, गाड़ी है, ब्रिज है, रेल की पटरी है, तो इन सब जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चीजों का यूज किया जाता है। जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो मेटल होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट है कौन, मरकरी मरकरी एंड सीजियम। दो एलिमेंट होते हैं मरकरी एंड सीजियम, वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। सीजियम जो होता है ना वो 30 डिग्री के आसपास, जबकि मरकरी जो होता है 25 डिग्री से बिलो पे ही ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो है पाए जाते हैं। इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। सोडियम एंड पोटासियम को छोड़ के इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या क्लियर हो गया नॉन सारे मेटल की प्रॉपर्टीज? ठीक है, यस सर। आपसे अगर कभी पूछा जाए तो यही सारे प्रॉपर्टीज होंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि तो बाद में क्या होगा कि बहुत सारे फोटो आ जाएंगे तो आपको जो है दिक्कत दे जाएगा। ठीक है, ले लिए। चलिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज शो ना करें तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन मेटल कह देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे बताइए कि ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ बैड इलेक्ट्रिसिटी, एंड हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, ठीक है, इट्स डेंसिटी इज लो, इनकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। तीसरा, इसका स्ट्रेंथ, इट्स स्ट्रेंथ इज लो, यानी कि वो प्रॉपर्टीज जो मेटल से कम होगी या उसकी नहीं होगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट्स स्ट्रेंथ इज लो। ठीक है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। ठीक है, नॉन मेटल आर नॉन शाइनिंग, यानी कि जो साइन नहीं करते, सोनरस नहीं होते, यानी कि साउंड का ट्रेवल नहीं करते, इट डिड नॉट शो द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किसकी हो जाती हैं, नॉन मेटल की हो जाती है। तो यही एक एक करके इन्होंने लिखा भी है, हम एक एक करके जो है बात करते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, आप इस प्रकार से इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये नॉन लस्सरस होता है। नॉन लस्सरस का मतलब क्या होता है कि जो जो है साइनिंग नेचर में ही हो। लस्सरस का मतलब क्या होता था, साइनिंग, एक्सेप्ट आयोडीन। आप आयोडीन को देखिएगा तो क्या करता है, चमकता है। ठीक है, इसीलिए कई बार देखना कि नमक जो होते हैं ना, जो आपके घरों में,
उस पे देखना कि कई बार चमकता हुआ प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि वो जो होता है कैसा होता है, साइनिंग नेचर का होता है, क्योंकि उसमें आयोडीन होते हैं। या आप देखना कि वो जो होता है क्या होता है, आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा होगा, जैसे मान लो मैं एक जैसे समझाता हूँ, ये जो होते हैं ना कि लस्टरस का मतलब होता है कि साइनिंग नेचर। जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो साइनिंग नहीं होते, एकदम बिल्कुल भद्दे कलर के होते हैं, वो उसमें जो है रिफ्लेक्ट नहीं करते, यानी कि चमकता नहीं है जब लाइट पड़ती है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब जो है क्या होते हैं, चमकते हैं। लेकिन नॉन मेटल में एक आयोडीन ऐसा होता है जो कैसा होता है, चमकता हुआ प्रतीत करता है, इसको याद रखना, एक्सेप्शन नॉन सोनरस। दे डू नॉट मेक रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम, इसके अंदर जो है साउंड का ट्रेवल नहीं होता। आप प्लास्टिक को पीटो, लकड़ी को पीटो, देखिए जैसे मैं यहाँ पे पीट रहा हूँ तो उतना ज्यादा जो है ये साउंड नहीं आ रहा, यही अगर मेटल को पीटता तो बहुत ज्यादा जो है साउंड आता, ठीक है। नॉन डक्टाइल होता है, नॉन डक्टाइल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो है वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बच्चा मेरे से बोला कि सर हम प्लास्टिक को जलाते हैं, देखिए सर जैसे मेल्ट करता है तो एकदम बिल्कुल पतला सा वायर हो जाता है। आपने वहां पे कहोगे सर हमने तो वायर बना दिया, लेकिन आपने क्या करा है, हीट देके किया, जबकि नॉन मेटल को आप बिना हीट दिए ही आप पीट के कर सकते हो, आप प्लास्टिक को पीट के जो है नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस कारण से नॉन मेटल कैन नॉट बी ड्रॉइन इनटू वायर, इसीलिए जो हम लोग उसको क्या करते हैं, पीट के जो है वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। चौथी प्रॉपर्टी होती है कि ये कैसे होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं। नॉन मेलेबल का मतलब होता है जिसको आप थिन सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन सीट। एक बच्चा बोलता है सर हम प्लास्टिक को देखो कितना पतला कर देते हैं, आप उसको पीट के और पतला नहीं कर सकते हो, जितना कंपनी ने बना के दे दिया हम उसी का यूज करेंगे, ना कि उसको हम फर्दर जो है क्या कर पाए, जो है इसको और पतला कर पाए। तो इस प्रकार से चौथा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ना, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं। ये जो आपको सर्कुलर देख, आपने कई बार देखा होगा ये वाला, ये जो है आपका क्या हो जाता है, ग्रेफाइट हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो किसका बना होता है, किन्हीं को पता है ग्रेफाइट किसका बना होता है, बोलिए। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का बना होता है, ठीक है। अच्छा एक और भी था कि ये जो है ना डायमंड भी जो होता है वो लस्टरस प्रॉपर्टी को शो करता है। डायमंड जानते हैं आप लोग? यस सर। तो डायमंड भी कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, लस्टरस प्रॉपर्टीज को शो करता है, यानी कि वो भी जो है शाइनिंग नेचर का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो कह सकते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज जो है कौन शो करता है, आपका नॉन मेटल जो है शो करता है। अब चाहो तो एक पॉइंट लिख भी सकते हो, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज लो, ठीक है, इट्स डेंसिटी इज लो, तो ये सारी बातें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलिए, यहां तक क्लियर है? अच्छा, और भी प्रॉपर्टीज, ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो होता है ना वो नेचुरल में पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, याद रखना। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि जो नॉन मेटल है वो जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा होता है जो सबसे हार्डेस्ट, यानी कि नेचर में अगर जो सबसे ज्यादा कोई चीज हार्डेस्ट है तो वो क्या है, आपका डायमंड है। डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड, इसीलिए देखना शीशे उसे काटने के लिए जो है, या आप देखना पत्थर को, अगर जो आप लोगों ने मशीन देखा होगा जो बोरिंग मशीन होती है, उनके नीचे क्या लगाया जाता है, डायमंड लगाया जाता है, प्योर वाला नहीं, नेचुरल वाला नहीं।
कृत्रिम वाला। वो क्यों ऐसा लगाया जाता है? क्योंकि वो हार्डेस्ट होता है, तो पत्थर को आसानी से क्या करेगा, उसको तोड़ देगा और या जो है उसको जो धीरे 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 करके काट देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनका जो है यूज किया जाता है। याद रखना, जनरली मेटल जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये जो होता है क्या होता है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, ये सब डायमंड होता है। अब देखते हैं जो है कई सारे पिक्चर में देखे होंगे इस तरह का जो होता है क्या होता है, ये डायमंड होता है। ठीक है, ओके। हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके ऊपर ना ज्यादा बेयरिंग रखोगे तो ये जो है लोड को सह नहीं पाएगा। यानी कि जो इसके पास क्या होता है कि ये जो है, अगर जरा सा भी देखना, हम लोग पाइप के ऊपर कभी भी कोई चीज लेके नहीं जाते हैं। अगर जैसे देखना, लोहे की रॉड पे अगर कितना भी सामान भारी लेके चले जाओगे तो नहीं टूटेगा। इसी कारण से, जबकि अगर जब आप उसी सेम पाइप यानी कि जो लोहे की थिकनेस लीजिए और जो है पाइप की थिकनेस लीजिए जो प्लास्टिक पीवीसी का बना होगा, उन दोनों में क्या अंतर होगा कि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है नॉन मेटल की, बीच से ही क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल में है सॉलिड लिक्विड गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल ना तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि सॉलिड जो था या मेटल जो था वो दो ही स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से? या तो वो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे या लिक्विड में। इसमें सॉलिड क्या हो जाते हैं, जैसे आयोडीन, कार्बन, ये सभी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड में कौन कौन पाए जाते हैं? ब्रोमीन। गैस में H2 जो है, N2O2, ये तीनों के तीनों स्टेट में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रोमीन देखिए लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कुछ इस कलर का होता है ब्रोमीन। ठीक है, ओके। अब देखिए कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में, सल्फर देखिए सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन जो है वो किस फॉर्म में है, आपका जो है सॉलिड फॉर्म में है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, ये सारे जो है किस फॉर्म में होते हैं, अलग अलग तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी कि 3700 डिग्री सेल्सियस होती है। इसीलिए कई जगह पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो वहां पे किनारे जो है क्या करते हैं, हम लोग इसी का लेयर लगाते हैं, ताकि कि उसको टेम्परेचर को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो है प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, मेटल नॉन मेटल शो करते हैं। मेटल जो होते हैं मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, ना तो मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। जबकि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, जबकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये लस्चरस होते हैं, ये नॉन लस्चरस होते हैं, ये जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर पे। इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और हम बात करें सोनरस होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, नॉन सोनरस हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे मेटलॉइड पे।